सबसे पहले हमने प्याज और हरी मिर्च काट लेना है ब्रिक ब्रिक, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी दाल, मैंने सिर्फ इसको बॉईल किया है, इसको तड़का नहीं लगाया है, ये पीली दाल है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक स्पून नमक, मैंने नमक थोड़ा दाल में भी डाला था इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है तो इसलिए मैं रेड मिर्च नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी। अब मैं इसमें एक चीज़ डाल रही हूँ जिसके साथ कि ये रोटी बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेगी, ये है घी की छिड्डी। काफ़ी लोग इसे जानते होंगे, जब हम घर में देसी घी बनाते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे ये कहते हैं, और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल फाइन पीसा हुआ है मैंने इसको। अब मैं फाइनली इसमें आटा डालूंगी। अब मैंने इसमें आटा डाल दिया है, अब मैं इसको मिक्स करूंगी, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए कैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये कितना अच्छा इसका आटा बन रहा है। वेट एंड वॉच, मैं आपको बताती हूँ एंड तक। ये देखिए गाइस, मैंने आटा गूंद लिया है, ये बहुत सॉफ्ट है और ये परात के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका है, सारा मिक्स हो गया। इसमें मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ दाल के साथ गूंदा है। आप भी प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसके लिए और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।